आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, वो भी बिना तेल के। अब इसमें क्या क्या अपने को चाहिए होते हैं वो हमने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। हमने कुछ टमाटर के स्लाइड काट रखे हैं, गार्लिक काट रखा है, ऑनियन काट रखा है, थोड़ा जीरा और भिंडी है। और इसके लिए हम यूज़ लेंगे ये बर्तन जीरो ऑयल कुकिंग के लिए। इस बर्तन की ये खासियत है कि इसके अंदर सारे सब्जी के न्यूट्रिशन परफेक्ट रहते हैं, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता है। जो कच्ची अवस्था में रहता है वो बनने के बाद भी हमें वैसा का वैसा मिल जाता है। हमने पैन चढ़ा दिया है इंडक्शन पे और इसको हीट करेंगे। अभी हमने इसमें किसी भी तरह कुछ भी चीज़ नहीं ऐड किया है, बिल्कुल जीरो ऑयल के हम बनाएंगे आज बिना तेल के भिंडी की सब्जी। हमारा पैन अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे रोस्ट करने के लिए। ये हमने इसमें गार्लिक डाल दिया है, ये रोस्ट होने वाला है। अब हम थोड़ा बहुत हिलाएंगे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। हल्का सा सुनहरी कलर का करना है इसको अपने को। अब इसमें अपन डालेंगे थोड़ा जीरा। आप देख सकते हैं हमने इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि जीरा हल्का हल्का सा रोस्ट हो रहा है, ये रोस्ट हो चुका है जीरा। हमारा जीरा रोस्ट हो चुका है, सुनहरी कलर का हो चुका है, हम देख पा रहे हैं इसको। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, गार्लिक भी अच्छे से रोस्ट हो गया, लहसुन गार्लिक मतलब। आप हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर ऐड करेंगे, भिंडी ऐड करेंगे, हम मसाले डालेंगे उनमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने ऐड कर दिया है। अब थोड़ी हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये अपने हल्दी ऐड कर दिए, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, धनिया पाउडर डालेंगे, अब अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। हम डायरेक्ट मैश भी कर सकते हैं या मैं इसको डायरेक्ट आप हिला के भी अपन मैश कर सकते हैं। और अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा और इसका टाइमर सेट कर दूंगा 10 मिनट के लिए। ये मैंने 10 मिनट के लिए टाइमर ऐड कर दिया है, 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। हमारी भिंडी की सब्जी जीरो ऑयल में बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। यहाँ हमारा टाइमर ख़त्म हो चुका है,
हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम 2 मिनट तक इस जो पैन का है ढक्कन ओपन नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद अपन इसको चेक करेंगे। लो तैयार है अपनी बिना तेल के घी ऑयल के भिंडी की सब्जी। अब हम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं इसका पूरा कलर टेक्सचर जैसा कच्ची अवस्था में था वैसा का वैसा ही पकने के बाद है, मतलब कि इसका सारा न्यूट्रिशन एज इट इज़ है बिना किसी नुकसान के। और आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा इसको मैश कर लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छा नज़र आएगा। इसको थोड़ा बहुत मसाला मैंने शुरुआत में इसको हिलाया नहीं था ताकि आप देख पाएँ लास्ट में कि हम इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं लगातार। और आप देख सकते हैं एक बूंद भी तेल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा ऑयल डाल के इसको बनाया गया है। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, एज इट इज़ एज ग्रीन है पूरी, और मॉइस्चर अच्छा है इसका, टेक्सचर कलर हर चीज़ परफेक्ट है, न्यूट्रिशन से भरपूर हमारी बिना तेल की जीरो ऑयल भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। तो दोस्तों हमने इसको जीरो ऑयल में इसलिए बनाया है कि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की कंडीशन ये है कि हमारा देश डायबिटीज़ में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हैं। तो जब वो अपना इलाज ले रहे होते हैं उस दरमियान डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तेल नहीं खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी है, तो उन लोगों को यह वीडियो मददगार होगा। वैसे सभी को मददगार है जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपने स्वास्थ्य से को लेकर चिंतित है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए आप ऐसी सब्जी बना के अपना न्यूट्रिशन बराबर रख सकते हैं। आपको बाहर के विटामिन मिनरल जो एडिशनल सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आप तरीके से ऐसे खाना बना के खाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम रह जाती है जो हमें एडिशनल लेना पड़ता है। लेकिन ये हमारी जो सब्जी बनी है बिना ऑयल के, तो जो भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम नेक्स्ट हर बार कुछ ना कुछ नई रेसिपी बनाएंगे, जो भी जनरल हम घर पे बनाते हैं, हर तरह की सब्जी, हर तरह का व्यंजन जो बिना तेल और घी के बनता है वो हम इसमें बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल रहा या हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ इनको शेयर कीजिए जिन लोगों को ऐसी मेथड की ज़रूरत है कि बिना तेल के खाना कैसे बनाएं। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि आप अपडेट रह सकें और स्वस्थ रह सकें। थैंक यू।